और खोजी मिले घुमक्कर से श्रृंखला में आज मैं चौथी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका आयोजन जन सरोकार मंच टाउन की ओर से 25 शुक्रवार को किया जा रहा है। तो आज की रचना का शीर्षक है धर्म ध्वजों की बहार। प्रथम दृश्य खोजी जी कहने लगे बरखुरदार कि सावन के महीने में हम भी जरा धार्मिक हो जाएं। सब लोग पुण्य कमाकर स्वर्ग का टिकट पक्का कर रहे हैं। चित्रगुप्त हमारी रिपोर्ट निगेटिव लिख रहे होंगे, चलो तीर्थ कराए। इसी कारण उस दिन हम कावड़ियों की टोली के पीछे पीछे चलने लगे। तड़ाक बम जय भोले की, बम बम भोले, युवकों की टोली नारे लगाती झूमती नाचती चल रही थी। एक छोटा ट्रक कावड़ियों का सामान लादे चल रहा था। डीजे साउंड कान फोड़ आवाज में बज रहा था। ओ शिव पार्वती के भरतार करेंगे तेरा बेड़ा पार। खोजी जी मेरा ज्ञान बढ़ाते हुए कहने लगे कि ये लोग लोहारगल के सूर्य कुंड से जल लाएंगे और भोले बाबा को चढ़ाएंगे। भोले भंडारी रीत गए तो उनको मुंह मंगा वरदान देंगे। कुछ देर पश्चात ही सूर्यास्त हो गया। हम सोच रहे थे कि ये लोग आधी रात तक चलकर ही कहीं पड़ाव डालेंगे, लेकिन तनिक अंधेरा होते ही जो आदमी स्थित करंट वाले बालाजी मंदिर के पास इन्होंने पड़ाव डाल दिया। कुछ देर सभी डीजे पर नाचे, फिर सभी चार पांच की टोली में अलग अलग बैठ गए। वातावरण शंकरमय हो गया। कोई गांजे की चिल्ल खींचने लगा तो कोई भांग की। जारिंग रोड में एक मंडली बैठी थी, उनके हाथों में कोई चिलम नहीं थी, लेकिन वो सबसे अधिक खुश थे। मैं दरी बिछा कर तारे गिनने लगा। खोजी जी मेरे पास धीरे से आए, बोले बैठ जाओ घुमक्कर, सोमरस आ रहा है, साथ में गरम गरम पकौड़े भी। मैं चौंक कर बैठ गया, पूछा क्या कह रहे हो गुरु, कांवड़िए और बारू ये लोग क्या कहेंगे। जब हमारे देवता सोमरस पी सकते हैं तो मृत्यु लोग के भक्तजन क्यों नहीं पिएंगे। देवराज इंद्र देवताओं के राजा माने जाते हैं, सोमरस पीकर कैसे अप्सराओं के साथ मत्य करते हैं। खोजी जी बोले। खोजी जी की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि दो भक्तों ने हमारे पास एक अद्धा गिलास तथा पकौड़ी की प्लेट रख दी। खोजी जी बोले गुरु। खोजी जी से बोला गुरु पिकनिक लाओ, इसके बाद खाना मिलेगा। भक्त के जाने के बाद मैंने पूछा गुरु ये भक्त आपको कैसे जानते हैं। खोजी जी पालती मार कर बैठते हुए बोले बरखुरदार तुम इन्हें नहीं जानते, ये कस्बे का स्ट्रीट सीटर महेश दारू वाला है। अनेक मुकदमे चल रहे हैं, दारू का अवैध धंधा करता है, शिव और हनुमान का भक्त है। रास्ते में जन सहयोग से अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोले गए हैं। चाय खाना मुफ्त, लेकिन सोमरस का नकद भुगतान करना होता है। किसी को संदेह न हो इसलिए इसकी कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं, जो कावड़ियों के सामान के नाम पर दारू ढोती हैं। कावड़िए खाने से पहले अपनी थकान उतारते हैं, भोले बाबा सबका ध्यान रखते हैं। जय बम भोले की कहते हुए खोजी जी ने दोनों गिलासों में प्रसाद का वितरण कर पकौड़ी को तरने लगे। सड़क के उस पार कुछ दुकानें भी हैं जहाँ चहल पहल बढ़ गई थी। पता लगा कि वहाँ पर भी सेवा केंद्र है। आसपास के गांवों के भोले भक्तों ने कांवड़ियों के लिए खाने की भी व्यवस्था की है। मुझे चुप देख कर खोजी जी टोका, बरखुदार यही तुम्हारे में कमी है, पीने के बाद सब चहकते हैं मटकते हैं, किंतु तुम सीरियस हो जाते हो। मैंने कहा गुरु मैं सोच रहा था हमारे देश में धर्म क्या चीज है, लोगों को ढांपने की ढाल है ये धर्म। खोजी जी ने अपने गिलास को मुंह में उलटते हुए कहा भैये अपन दोनों नास्तिक हैं, पिकनिक मनाने आए हैं, फ्री में प्रसाद मिल गया है तो क्या बुरा है। कल अखबार में खबर छप जाएगी कि वरिष्ठ कलमकार खोजी जी ने अपने चेले घुमक्कर के साथ कावड़ यात्रा की। धर्म के बारे में धर्म के ठेकेदार सोचेंगे,
कहकर खोजी जी ने अपना गिलास तो भर लिया लेकिन अर्धा पूरा खाली हो गया। मुझसे पूछा और दोगे क्या? मैंने इनकार में सिर हिलाते हुए अपने गिलास को खाली किया और पकौड़ियां खाने लगा। तभी देखा सामने दुकानों में नई भक्त मंडली आई है, वही डीजे की कर्कश आवाज, लंबे चौड़े भगवान कब्जों से गाड़ी देखी। मुख्य आकर्षण था कि अनेक महिलाएं नाच रही थी और तालियां बजा बजा कर शंकर को रिझा रही थी। जय भोले भोले हो बम बम, उनकी टोली के पुरुषों ने बड़े बड़े ध्वज लिए नृत्य करते महिलाओं के चारों ओर घेरा बना लिया था। खोजी जी ने सिगरेट सुलगाई तो मेरा ध्यान टूटा। क्या कर रहे हो गुरु? चिल्ली की रोशनी हमारी चुगली कर रही है, तब किसको परवाह है हमारी? सब लोगों का ध्यान या तो खाने वाले सेवा के अंदर पर है या नाचने वाली भद्र महिलाओं पर है। खोजी जी ने बेपरवाह होते हुए कहा, हमें भी खाना खाने चलना है, पहले सिगरेट खत्म कर लो। जय भोले की, बम बम भोले, दुनिया डोले। महिलाएं सम्मिलित सौर में बीच बीच में बोल रही थी और नाच रही थी। तभी सम्मिलित सौर में आवाज आई, भोली ओ भोली, गजब की गोली, तड़ाक बम घायल हम। खोजी जी चौकन्ने हो गए। हमने देखा कि 30-40 युवकों की टोली नाचने लगी और नाचते नाचते उस ओर बढ़ने लगी जहाँ गोल दायरे में महिला भक्त भोले को रिझा रही थी। खोजी जी खड़े हो गए, बोले बरखुदार, शंकर बाबा का तीसरा नेत्र खुल सकता है, हमें सावधान रहना होगा। भोले भोले बोल महिलाओं के सम्मिलित स्वर के जवाब में युवक गा रहे थे, भोली भोली बोल घूंघट के पट खोल। युवकों का घेरा महिलाओं को चारों ओर से घेर कर नाचने लगा। महिलाओं के रक्षक बने शिव भक्त चौकन्ने हो गए। उन्होंने कुछ कहा होगा, महिलाओं का नृत्य रुक गया, वे अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ने लगी। भोली ओ भोली कहाँ चली, युवा भक्त जन गाने लगे। तभी दुकानों के आसपास की लाइट गुल हो गई, पूरे जोहड़ में अंधेरा छा गया, धक्का मुक्की और चीख पुकार से रात का सन्नाटा टूटने लगा। भागले घुमक कर तांडव नृत्य शुरू हो गया है, कहते हुए खोजी जी स्वयं भी खेतों की ओर भागने लगे। दूसरा दृश्य, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। उस दिन जब मैं और खोजी जी फोजीदा ढाबा में पहुंचे, बंता सिंह सचमुच सहकने लगा। जब बंता सिंह बहुत खुश होता है तो उसकी दाढ़ी में उसका प्रत्येक बाल खिल खिल कर उठता है, उसके सफेद दांत अधिक चमकते दिखाई देने लगते हैं, आंखें झील की भांति गहरी हो जाती हैं। कहने लगा, आओ बादशाह, उसी बड़े चंगे समय आए थे। और मनु पता है सरदार जी, तू अपनी फौजी लाइफ का कोई चुटकुला सुनाएगा, कहते हुए खोजी जी नीम के नीचे रखी चार पाइयों की ओर चलने लगे। नहीं ओ बापे जी, सरदार जी ने खोजी जी की बाह पकड़ ली, अपन तीनों आज बापू राम के प्रवचन सुनने चलेंगे, सुनते हैं बड़ी रौनक होती है। बंता सिंह ने खोजी जी को लालच में कहा, प्रवचन सुनकर आने के बाद आज तुहानू कड़क चाय अमृत सर्दी नमकीन मिलेगी। खोजी जी मेरी ओर देखा, मैंने आंखों आंखों में कह दिया कि अब और क्या चाहिए। इन्हें विशाल पंडाल में पहुंचे, मंच पर अभी बापू नहीं आए थे, उनके एक शेवी का माइक पर बोल रही थी, प्रिय भक्तजन और भक्तिनों, बापू ने कलयुग में उतार लिया है, मैं आपको अपने आप बीती सुना रही हूँ। मेरे परिवार का बड़ा संकट आया हुआ था, पति को सट्टा लगाने की आदत थी, उन्होंने अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी और हार गए, हम सड़क पर आ गए, इस नश्वर संसार में हमारा कोई नहीं था, सब रिश्ते नाते खत्म। तब मैं बापू के आश्रम में पहुंची, बापू अकेले थे, मैंने उनके चरण पकड़ लिए, मैं लौट गई उनके कदमों में। बापू ने स्नेह से मुझे उठाया, अपने वर्ध हस्त मेरी पीठ पर फेरे, मुझे गले लगाया, उनके आशीर्वचन से मेरे कानों में मिश्री घुलने लगी। मैं मोहित और बेसुध हो गई, जैसे गोपियां मोहन को देखकर अपने सुख बुध खो बैठती थी। चमत्कार हो गया, उस दिन से मेरे पति के सारे अवगुण गुणों में बदल गए, हमारी सारी जायदाद वापिस आ गई,
उस दिन से मैं बापू की शिष्य हो गई। बापू की शरण में जो भी आएगा वह चरम सुख पाएगा, ये भगवान विष्णु के अवतार है। पूरे पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वाहे गुरु, तेरा खेल निराला है। बंता सिंह ने बैठे बैठे अपने मस्तक कानों को छूकर गुरु का स्मरण किया। वाहे गुरु, ऐसी मेहर करो कि चाय बनाने से पीछा छूट जाए। क्या मतलब तेरा सरदार जी? धीरे किंतु कड़क स्वर में खोजी दिन पूछा, गुरुओं से तुम्हें मुक्त का भाव चाहिए? तभी धक्का मुक्की शुरू हो गई। धवल वस्त्र, चांदी से चमकते सिर के केस, गाड़ी मूछ, जितने से जानती दो गहरी आंखें, बापू राम सिंहासन पर विराजमान हुए। दो युवा सेविकाएं पंखा जलने लगी, यद्यपि उनके पास बिजली का पंखा भी चल रहा था। अनेक महिलाएं चरण छूने को आतुर, जिन्हें सेवकगण पीछे हटा रहे थे, बापू राम की जय, धर्म की जय, गगन देवी नारे लगने लगे। दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हुए बापू ने सबको निहाल किया। भक्तजनों को बैठने का इशारा करते हुए बापू की वाणी प्रस्फुटित हुई, जो नास्तिक है इस सत्य दरबार से उठकर चले जाएं, यहाँ केवल हरि भक्त रहें। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु जी फतेह, कहते हुए बंता सिंह ने अपने दोनों कानों को छूकर क्षमा मांगी। फिर धीरे से खोजी जी से बोले, बापे पकड़े गए, बापू से मैं देख लिया, अब क्या करेंगे? मैं शांति से बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं उठा सकता। फौजी जी पालथी मारकर दृढ़ता से बैठ गए। इसी बीच बापू के परिवर्तन प्रारंभ हो गए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के फूल झर रहे थे। वे बीच बीच में प्रिय भक्तों से प्रिय प्रश्न भी पूछ रहे थे। एक अंग्रेज युवक कहने लगा, बापू यू आर ग्रेट, यू आर माई फादर। युवक मुस्कुरा रहा था और तनिक शर्मा भी रहा था। बापू भी हंसे, बोले, क्या कहा तुमने, किसे कहो तो? लड़का हंसता हुआ पुनः दोहराने लगा, बापू यू आर माई फादर। बापू ने हंसते हुए भक्तों को संबोधित किया, सुना तुमने लड़का क्या कह रहा है? बापू भी हंसने लगे और अंग्रेज युवक भी। तभी युवक के साथ एक अंग्रेज महिला खड़ी हो गई। वह मुस्कुराती हुई कुछ कह रही थी, लेकिन शोर में सुनाई नहीं दिया। बापू ने दोनों हाथ खड़े कर भक्तजनों को सावधान किया, सुनो सुनो, इस युवक की माँ क्या कह रही है? बेटे ने कहा, वह तो आपने सुना, अब माँ को भी सुनिए। माँ बेटे दोनों हंसने लगे। बापू ने माँ का हौसला बढ़ाते हुए हंसकर कहा, हाँ फिर से कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? बेटे की माँ युवती की युवती से नजर आ रही थी, चहक कर बोली, आई लव यू बापू। बापू खिल उठे, अरे 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 क्या कह दिया, फिर कहो। माँ बेटे दोनों खिलखिलाकर हंसे। महिला पुनः बोली, आई लव यू बापू। बापू तो मस्त हो गए, वाह क्या कहा है, मुझे लव करती है। बापू की गाड़ी मूछ और सिर के सफेद बाल मानो नृत्य करने लगे। वे घूमते ही कुर्सी पर मस्ती में घूमने लगे, क्या बात है, वे बुदबुदाए। तभी बंता सिंह बोल उठा, गुरु बापू इतने खुश क्यों है? ये लव वो लव नहीं है जो युवा दौड़ा करता है, वही है उधर देखो। खोजी जी एक तक बापू को निहार रहे थे। हमने मंच की ओर देखा, बापू कुर्सी पर बैठे चारों दिशाओं में घूम रहे थे। वे मस्ती में सरोवर हो अपनी गर्दन हिला रहे थे। तभी हमने उन्हें कहते हुए सुना, देखो भक्तो, माँ भी खुश, बेटा भी खुश, क्या कह रहे हैं आप लोगों ने सुना? और तभी बापू गाने लगे, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, आए जोगी। बापू को गाते हुए देखकर अंग्रेज माँ बेटे खिलखिलाकर झूमने लगे। उनकी शिष्या भी भाव विभोर होकर ताली बजाने लगी और मस्त बापू को देखकर नाचने लगी। फिर ये भक्तजन, यही जिंदगी है, जीवन में प्यार खुशी नहीं तो जीवन व्यर्थ है, इसलिए जीवन में मस्त रहो, इन माँ बेटों की बातें कहते हुए बापू ने अंग्रेज माँ बेटे को बैठने का इशारा किया। बंता सिंह बोला, बापे ये गाना जो बापू ने गाया है वो तो शहीद फिल्म का है, मैंने खोज में देखी थी, लेकिन फिल्म में तो ये गीत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। भगत सिंह की सगाई जिस लड़की से होने वाली थी, उस घर में
उस लड़की को घेर कर महिलाएं गाती हैं, यहाँ बापू ने ये गीत क्यों गाया? बनती है स्वर बापू का है, लेकिन बापू ने उस अंग्रेज महिला की ओर से ये गाया है, तू समझ गया? बमता सिंह दादी फुदलाने लगा, बापू मेरी खोपड़ी में तो कुछ आया नहीं, इतना बड़ा गुरु फिल्म गाना गाता है, और क्या करे, इसके पास काम है क्या है? देख रहे हो 305 संख्या महिलाओं की है, यदि महिलाएं नहीं आए तो इन लोगों का तमाशा बंद हो जाए, लेकिन महिलाएं आती हैं और बाबा लोग उन्हें देखकर झूमते हैं, चलो अब चले। खोजी जी खड़े हो गए। ये व्यंग्य संग्रह की रचना यही खत्म होती है। इसी क्रम में हाल ही में लिखी एक छोटी सी रचना मैं और प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गोरखनाथ की चिट्ठी। बरखुदार, आजकल मुझे बुद्ध, कबीर, नानक, दादू दयाल आदि बहुत चिढ़ा रहे हैं। अजब यह है कि भारत भूमि पर विचरण करते समय मैं नहीं डरता था, मैंने बड़े बड़े पाखंडियों के छक्के छुड़ाए, किंतु यहाँ स्वर्ग लोक में मुझे इन संतों से छुपना पड़ता है। कल ही की तो बात है, जब मेरा चेला नंबर एक हेलीकॉप्टर से कांवड़िए बने मूर्खों, जाहिलों, कामचोरों पर फूल बरसा रहा था, कबीरदास ने मुझे ढूंढ निकाला और पकड़कर बुद्ध, नानक आदि के पास ले गया। ये सभी संत मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, गोरख तुम्हारा चेला सबसे अधिक पाखंडी बन गया, तुमने अपने दौर में पाखंडियों को बाहर ढूंढने वाला गधा कहा था, अब अपने चेले के लिए क्या कहोगे? ये सभी प्रसन्न पर प्रसन्न दागे जा रहे थे। वह अव्वल दर्जे का पाखंडी है या नहीं? वह नकली पुष्प विमान में नकली राम बैठाता है और पूजा करता है, जबकि तुमने ईश्वर को निराकार माना था। तुम्हारा चेला मूर्ति पूजा कर रहा है, झूठ बोलता है, जातिवाद फैलाता है। तुमने राजा भर्तृहरि को सन्यासी बनाया था, यहाँ तो तुम्हारा चेला सन्यासी से राजा बन गया। वह शिक्षा पर ध्यान नहीं देकर जानबूझकर अंधविश्वास फैला रहा है। मुमक्कड़ भाई, मैं इनको क्या जवाब दूं? सच तो यह है कि तुम्हारे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि गंगा का पानी हाथ धोने भी लायक नहीं है, उसी पानी को अमृत बताया जा रहा है। मेरा चेला यदि गंगा को साफ करवा देता तब भी उसे मान लेता, वह तो जहरीले पानी लाने वालों को भगवान मान रहा है। सचमुच मुझे शर्माई सारे प्रशासन को बेवकूफों के पैर धोने के लिए लगा दिया। जिस पाखंड और अंधविश्वास को मैं खत्म करना चाहता था उसे वह पूरे जोर शोर से फैला रहा है। यह सब देखकर कल ही लंबी चोटी वाले तुलसीदास ने मुझ पर हंसते हुए कहा, हम तो पहले ही गोरख धंधा मान रहे थे। बरखुरदार, मुझे अचरज इस बात का है कि जो मैंने कहा उससे बिल्कुल उलट मेरा चेला कर रहा है, किंतु कोई भी नाथ संप्रदाय का व्यक्ति ऐतराज नहीं करता। अब मैं तो पक्षलोक पर आ नहीं सकता, यूपी बिहार से चलकर मेरे अनुयायी राजस्थान की गोगा मेडी पर प्रतिवर्ष आते हैं और मेरी समाधि पर नमन करते हैं। अब उनको कौन समझाए कि मेरा नाम तो मेरा बड़ा चेला ही डुबो रहा है। मैंने धर्म के ठेकेदारों को फटकारा था, आज मेरा चेला ही धर्म का धंधेबाज बन गया है। ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। नाथ पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसे मेरे चेले ने ही मिट्टी में मिला दिया। मुमक्कड़ भाई, तुम्हारे यहाँ से जो भी धर्म के धंधेबाज और सत्ता के सौदागर यहाँ आए हैं, वे मेरे चेले की हरकत पर खूब हंस रहे हैं। उनका कहना है कि जो नफरत और मार काट वे नहीं कर पाए उसे मेरे चेले के माध्यम से किया जा रहा है। आज सुबह ही गांधी से मुलाकात हो गई, उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे भी कहाँ छोड़ा गया, भले ही तुम्हारे चेले की रियासत में मुझे दोबारा एक धर्मांध महिला ने गोली मारी और गौर से जिंदाबाद कहा, लेकिन मैं इन बातों पर गौर नहीं करता, मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैं गांधी बाबा को क्या जवाब देता? मैं यही सोच रहा हूँ कि किसी दिन कबीर से एकांत में बात करूं, उसके अनुयायी मेरे कठमूल्य चेले का अहंकार दूर कर सकते हैं।
किंतु कबीर भी पृथ्वी लोक में तो जा नहीं सकते। वो पहले लिख चुके हैं डूबा वंश कबीर का उपजे पूछ को माल, तो फिर क्या किया जाए। यहाँ स्वर्ग में नदी के किनारे मैं भगत सिंह को अक्सर घूमते देखता रहता हूँ। बड़ा अलबेला फक्कर इनकलाबी है ये, वह मस्त होकर गाता रहता है मेरा रंगे बसंती चोला। मैं उससे कहना चाहूंगा कि मेरे भगवान रंग के चोले को कैसे बचाया जाए, शायद वे कोई उपाय बताए। भगत सिंह से मिलने के बाद ही मैं तुम्हें अगली चिट्ठी लिखूंगा तो मकर, तब तक के लिए विदा, तुम्हारा गोरखनाथ। तो आज की रचनाएं यही समाप्त होती हैं। धन्यवाद।